जी इस्लामाबाद गेट 3 bids फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। दूसरी बिड आई 5 मिनट की इंडियन रिटेलर की तरफ से। सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और ज्यूइश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है। ज्यूइश ग्रुप कह रहा है कि यहाँ से नवाब बनाएंगे। महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, ब्रेकडाउन के करीब पहुंच चुकी है, स्नैश पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? ये खबर बड़ी अजीब सी है कि कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है आटा गायब है। वो कह रहे हैं रोज वेयर ऑर्डर टू बी गिवन ऑन दिस, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है, फर्म रोजगार होटल को देंगे। आज की खबर है सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, ट्योटा ने प्लांट बंद कर दिया है, दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मेंटेन कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपये तो नहीं देंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को पड़ा किया, क्योंकि गलती की वजह से हुआ क्या है वर्क दबाओ। दूसरी जो बात है ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कह रहे हैं, मैं इसको हैरान हुआ हूं, ये जो 25th स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को पड़ा किया। अब अजय पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से, डॉन को डॉन ही खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ही कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट 3 bids फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी 17वीं स्लाइड। वो कह रहे हैं अनवर इकबाल समझ लो जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से और हाँ। वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहां पर अपना एक 6.8 बिलियन जो इस ग्रुप कह रहा है कि यहां से नवाब बनाएंगे। दूसरी बिड आई 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से, तीसरी आई 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, ये किसके कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है ये जनाब? अच्छा दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में, मेरा शब्द बताना था, वो कह रहे हैं रोज वेयर ऑर्डर टू बी गिवन ऑन दिस, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया, न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है, फर्म रोज वेयर ऑर्डर को देंगे, उस प्राइवेटाइजेशन डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गरीबन या क्या की है खुदा जाने, हाँ डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब, सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री और वहां से जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं, इनको इन जगहों को भेज भेज के मैच ठीक करनी है क्या, मतलब इसको भेज देंगे तो 82 रुपनी का बिना खा जाएगी, तो क्या होगा इलेक्शन में, वो कह रहे हैं जी IMF से वायदा खत्म हुआ है और फंड देने जा रहे हैं MNAs MPs को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें, हो सकता है तो शिक को निकाल दें, ये नेशनल एक्शन प्लान की शिक जो है ना कि मासी दहशतगर्दी कि जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको जूते मार रहे हैं, वो वाली शिक निकाल दें, बाकी पे तो अमल करें। सर बात ये है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है, अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज का बहुत ज्यादा, हर चीज गैस नहीं है और बिजली की, तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है आटा गायब है, आटा गायब है, लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं हमने किसी से गंदुम नहीं लेनी, कोई हमसायों से ताल्लुक अच्छे नहीं है, सर पाकिस्तान का तबाह हो गया है, अकॉर्डिंग टू शबल वैली, अकॉर्डिंग टू शबल इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। IMF मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा मार्च में, आपको आपके दोस्त ममालिक ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने से, उसकी वजह यह थी उनका उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शबर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन सख्त डिसीजन लेने होंगे, अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो ये है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही, ये उनका इंटरव्यू अभी चला और उनके डिजीज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मदद की बात बता रहा हूं, हफीज शेख हैज कम टू कराची, आपके गवर्नर जो पिछले स्टेटमेंट ही हैज कम टू कराची, दे आर बोथ अटैच विद IMF, बाकी वह भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है अलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन्स है वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, आपकी LCs नहीं खुल रही है,
आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भार में, लेकिन आपके पास आज इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है, दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मेंटेन कर रहे हैं, दवाई हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में, तो बहुत नहीं देगा ना, वो नस्वार को नहीं।